भाई आजकल लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं, जैसे छपरा छपरी, नंबर नब्बी और हम जैसे लोग जिनको इनके मजे लेने में मजा आता है। लेकिन भाई हमें रील लाइफ और रियल लाइफ दोनों में अंतर पता है। लेकिन भाई इनकी जिंदगी कुछ अलग ही चल रही है भाई। इनका बसना चले बनने अपना अलग देश बसा ले, जहाँ पे बच्चे भी सतरंग की बाल लेकर पैदा होंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। और भाई इनका कल्चर कुछ इस प्रकार से होगा, फटी जीन्स, आदिवास के थर्ड कॉपी जूते। और भाई ये लाखों की भीड़ में भी खड़े होंगे तो इनको अलग ही पहचान में जाएंगे, क्योंकि भाई दूर से लगेगा इनकी ट्रिपिक से मुटका थूका है या फिर कोई चुड़िया सुनहरा पक गई हो। और भाई इनकी नेशनल बाइक होगी केटीएम। कौन है ये लोग? इनके देश में प्यार का मतलब सिर्फ यही है, फोन से लेके ओयो तक का सफर। क्या बढ़िया था गुरु। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो हम बात करने वाले हैं हमारे प्यारे सबके दुलारे निब्बी के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलो इनकी कुछ विचित्र रचनाओं का वर्णन करते हैं। चलो भाई। किसका बच्चा? क्या तू किसका बच्चा? मेरी मम्मी पापा का बच्चा है। मम्मी पापा का बच्चा? हाँ। मेरा बच्चा, मेरा। ओके। अरे दीदी उसके दिल से पूछो, उसके गुर्दे सर के उसके पिछवाड़े में आ रहे होंगे ये बात बोलने में कि तेरा बच्चा है, और जान निकल कर मुंह में कहीं भाई जायदाद से तो मेरे ना कर दे। तुम्हारे होंठ हाथ में ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, क्या मैं और करीब आकर देख सकता हूँ? क्या मैं अपने होंठ से छू? बेटा कभी किताब किताब भी छू लिया कर, मकड़ियों की 10 वीडियो ने उस पर जन्म ले लिया, वो भी अपना घर बदलने चाहते हैं। और ऐसे बच्चों की वीडियो देख के सिर्फ यही फील होता है, धिक्कार है हम पर। रात आधी है, बात आधी है, बहके बहके कदम एक दूजे को लेके बाहों में आल पट जा। बेटा अगर गलती से तुम्हारे माँ बाप के कदम में पर तुम्हारे पास आ गए ना, निप्पी झाड़ू के संग लपटा एक्टिंग कर रही है, तुझे डर था अपने बाप के बेल्ट से। ₹50 कट ओवर एक्टिंग की वजह से। ये बात शांति की हो सकती थी, लेकिन जब तक इनके अंदर वो ओवर एक्टिंग का जुनून किया ना जाके इनके गले को ठंडक ना मिलती है। क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? बट आई हैव अ बॉयफ्रेंड यार, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। दीदी कोई बस की कंडक्टर है, ट्रैफिक पुलिस वाली, ये थोड़ा एडजस्ट कर ले। माना दीदी की हंसी से लग रही है दीदी, लेकिन है नहीं ना भाई। यार उसने खाना खाया होगा या नहीं, मैं एक बार कॉल करके पूछ लेता हूँ। The person you are trying to call is currently busy. देख तेरा सच्चा प्यार बिजी है किसी और से। हेलो। मम्मी से बात कर रही थी, वो लाइन पे ही है। बेटा तुम दोनों बातें करो, मैं फोन रखती हूँ। हाय। हेलो, ये लीजिए मेरा दोस्त आपसे बात करेगा। हाँ भाई बोलिए ना। भाई ऐसी जिंदगी चल कर रही है, दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड से बोल रहा है लो मेरे दोस्त से बात करो, और मम्मी कह रही है तुम दोनों बात करो मैं फोन रखती हूँ। भाई ऐसी जिंदगी चल कर रही है, मुझे ये बताओ या फिर भाई हम धरती पे जी रहे हैं या फिर इस स्वर्ग में, या फिर ये सब मिलके हमको सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर चो। भाई एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, भैया ने पूरे आडवार दीदी को केक के लिए तरसा दिया। मजा ले दीदी, नौवीं बार भी कोशिश ना करें, दीदी भैया के हाथ से केक खाती नहीं। इसको कहते हैं लेकिन यही हरकत कोई हमारे यहाँ करते दो तीन बार से ज्यादा, तो भाई हम उनका हाथ पकड़ के वही केक उसके मुंह पे छोड़ देंगे, और भाई केक उठा के अपने दोस्त के पास चले जाएगा, खाएंगे सालों भूखा नहीं देंगे, तरसाते रहेंगे देखते रहेंगे। बेटा तेरी हरकत सुनते रहते हैं, चलो चल के बोल रहा है तू फलक तक नहीं, तू ओयो तक जाना चाहता है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दीदी दिल है गुब्बारा जो फोड़ दिया। अरे दीदी इतना क्या जिले मन से इंस्पायर हो गई कि इतनी जुबा केसरी कर ली। बोलो जुबा केसरी। दीदी चाउमिन में तो आप सोच पसंद नहीं करती होगी, नहीं पहले मुंह पे लगा लिए वीडियो बना ली उसको चाउमिन खा ली। Hi guys.
गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, वहां पर भी आपको हंसाने का कुछ ना कुछ प्रबंध करते रहते हैं।